आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौथा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो ऑटोमेटिकली वेब से उनको बताया जाएगा कि अब आपको किस बीमारी की क्या स्थिति है, आपको आगे की क्या सेवाओं की जरूरत है, आपको किसकी मदद लेनी चाहिए, आपको किन किन लोगों से बच के रहना। अब ये कर दिया, हमें इसमें सर्च करना है। तो जो आप ये सैम्पल देख रहे हैं, एक आरोग्य सेतु NICGOB मोबाइल ऐप्स, तो ये जो 2.9 MB का है इसी को डाउनलोड करना है। इस तरह के और भी ऐप्स हैं, तो इसमें सीधे क्या करना है आपको, इंस्टॉल कर देना है। जैसे इंस्टॉल करोगे तो थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और ओपन होगा। फिर अभी जैसे कि अब ये ओपन कहा गया, इसमें इधर से ही ओपन कर देना है। तो इसमें कुछ इसमें आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरोग्य सेतु ऐप। इसमें 11 प्रकार की लैंग्वेज है, जो जो लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं उसी को आप सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करता हूँ, तो हिंदी सिलेक्ट करने के बाद इसमें नेक्स्ट का बटन दबाएं। नेक्स्ट में आ गए, हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है, क्या आप चाहते हैं कि आपको ये जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ व्यक्ति COVID-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अगर COVID-19 ग्रसित या संक्रमित व्यक्ति है तो आपको सीधे उससे बचाव के लिए ऐप नोटिफिकेशन जारी करेगा। फिर नेक्स्ट, तो ये ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेटेड सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना आप एक बार रजिस्टर्ड कर लेंगे और जो बंदा संक्रमित है अगर उसने भी कर रखा है तो आपके पास भी है, तो ये उससे आपको मिलने और हाथ मिलाने और इससे बचाव के लिए संकेत देगा। या जैसे आप कोई सामान या मार्केट में जाते हैं तो वहाँ कई प्रकार के लोग मिलते हैं, तो ऐसे इस माध्यम से आप ये बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा कि क्या है। और अगर आप कहीं संक्रमित होते हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट सीधे डॉक्टर एवं सरकार के माध्यम से आपको तुरंत मैसेज आएगा क्या बचाव करना और कहाँ जाना और किससे संपर्क करना है, और तत्काल इसके कंसल्ट नंबर भी आपको दिए जाएंगे। और इसमें एक बात विशेष ध्यान रखनी, रजिस्टर करते समय इसमें अपनी ओरिजिनल जानकारी डालनी। जैसे कि मैं भी इसमें रजिस्टर करता हूँ, तो रजिस्टर करने के लिए इस कभी भी बदल सकते हैं। ब्लूटूथ आपके मोबाइल के आसपास के अन्य मोबाइल की निकटता अनुमति करने में मदद करता है। ये आपसे अनुरोध है कि आप इसे हमेशा ऑन रखें, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जैसे ऑन रखेंगे और कोविड पेशेंट है आपके आसपास एरिए में तो उसकी जानकारी है, तो इसको हमें स्वीकार करना है। तो मैं सहमत हूँ पे क्लिक करना है, ये आपने अलाउ कर दिया, आपकी ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन हो जाएगी। ओके, अलाउ। फिर आगे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, तो इसमें को सीधा सा एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तो हमें अपने फ़ोन के माध्यम से रजिस्टर्ड करना है, 8867535 इसमें डायरेक्ट हम सबमिट करेंगे तो एक OTP भेजेगा, कुछ ही सेकंडों में OTP आएगा। यह ऑटोमेटिक हमने कर रखा, तो इसने ऑटोमेटिक OTP आया और सिलेक्ट हो गया और अभी आगे जाने की परमिशन मांगेगा। अब इसमें मेरे से कुछ पूछेगा व्यक्तिगत विवरण, तो आपको सिर्फ जो भी आपका प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, अन्य हैं कोई, तो हम जैसे कि मैं पुरुष हूँ तो इसमें आपका लिंक क्या है ये पूछ लिया, ये सारे क्वेश्चन पूरा करना है। पूरा नाम मैं अपना डाल देता हूँ, अपना नाम डाल दो सावधानी पूर्वक, लेकिन इसमें यही है कि आपकी ओरिजिनल और सही जानकारी देनी है। मैंने अपना नाम इसमें दर्ज कर दिया, फिर यह पूछ रहा है आपकी आयु, तो मैंने अपनी उम्र डाल दी इसमें,
तो ऐसे ही कुछ रैंडमली क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सारे फिल करते जाना है। ये आपका व्यवसाय पूछ रहा है कि आप क्या हैं, या कोई दुकानदार हैं, या पुलिस अधिकारी, कानून प्रवर्तन, वितरण, केमिस्ट्री, जो है इनमें से अगर आप हैं कोई तो ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई भी नहीं तो आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। पिछले 30 दिनों साथियों, में किन देशों का भ्रमण कोरोना किया, के अगर खिलाफ आपने कहीं लड़ाई में बाहर मदद गए हो करने तो के ठीक है, लिए नहीं तो नॉन, अगर एक चाइना और काम कंट्रियों मैं के आपसे नाम भी आग्रह पीछे दे पूर्वक रखा करना है, चाहूंगा। ये जर्मनी, ईरान, यूके, ये लंबी यूएई, लड़ाई के मेरा तो लिए कुछ नहीं है, बहुत अनिवार्य है। तो मैं नहीं गया तो मैंने नॉन कर दिया, हम फिर नेक्स्ट जितना का बटन दबा दिया। सफलतापूर्वक इस काम को जरूरत के करेंगे, समय स्वयं सेवा में रुचि है, हम तो अगर आप आने वाले पूछ रहे हैं दिनों अगर कहीं में ज़रूरत पड़ी तो आपकी रुचि है संक्रमण किसी की की मदद स्थिति करने के में लिए, तो मान काबू लो जैसे पा आप करना पाएंगे, चाहते हो कि हाँ, और वो तो मैंने है हाँ का जवाब दे दिया। भारत सरकार ने सबमिशन की पुष्टि एक करें, आरोग्य सेतु ऐप पुष्टि विकसित किया करें, मतलब गया तो है। हम मतलब दोबारा से आपको कोई हमने जवाब देना ठीक है, नहीं तो जो सही इस है तो यहाँ पे जाकर आरोग्य सबमिट सेतु कर दें। ऐप को ये बहुत ही इजी ऐप है, क्या डाउनलोड आप करने के लिए अच्छा मेरा महसूस चौथा कर रहे आग्रह हैं, है तो आपको लग रहा कि है हाँ ज्यादा से अच्छा है ज्यादा तो ठीक है, अगर लोगों कोई को प्रॉब्लम है तो जानकारी नहीं का भी दे दबा सकते हो, बट और जो कम आपने से रैंडमली कम क्वेश्चन दिए 40 तो लोगों हाँ, के मोबाइल में तो 20 सेकेंड का सेल्फ ये असिस्टेंट टेस्ट ऐप आत्मश्वसन परीक्षण आप लें, इंस्टॉल तो ये बोल करवाए रहा है कि ही, आप 20 सेकेंड अपनी सांस रोक और के देखें, उसके अंदर उनकी जो वही जो जानकारी चल रहा है था अभी सोशल मीडिया वो में। डाल दी जाए तो ऑटोमेटिकली वेब से उनको कृपया बताया ध्यान दें, इस जाएगा काल से कब दी गई आपको किस जानकारी का उपयोग बीमारी वर्तमान की क्या स्वास्थ्य संकट स्थिति की है, निगरानी और प्रबंधन और आपको कोविड आगे की 19 के क्या अनुशोधन सेवाओं के की लिए जरूरत किया जाएगा। है, क्या आपको आप किसकी नीचे मदद लिखे लेनी हुए कुछ चाहिए, लक्षणों में से आपको किसी का किन किन अनुभव लोगों से कर बच रहे हैं, के रहना खांसी, चाहिए बुखार, सांस लेने में उनको दिक्कत, पता इनमें से चलेगा, कोई क्योंकि है? आपके पास ये नहीं है, सज्जन मैं कल तो आके गए मैं इनमें थे, से कोई नहीं, वो अगर है तो संकट आपको वाले जरूर हैं। बताना है, अगर उसके ये पास ये ऐप छुपानी नहीं है होगा तो जानकारी, उसको ही पता और चलेगा, आपको उसके तहत और इलाज के इसलिए थ्रू या कुछ संकट जानकारियां की देंगे। स्थिति में क्या आपको कभी नीचे कुछ बीमारियां हमें जैसे मधुमेह, उक्त ये रक्तचाप, आरोग्य सेतु हाइपरटेंशन ऐप जैसे बीपी के पेशेंट, या फेफड़ों की हरेक के यहाँ बीमारी, या दिल की इंस्टॉल भी बीमारी कोई करवाना है है तो बताना है, और जैसे कि मेरे को उनसे कोई कुछ नहीं भरवाना है, भी है। मैं इनमें से कुछ कर दूं। क्या आप पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की? तो नहीं, मैंने नहीं कोई यात्रा की, तो नहीं दबाना। हाल ही में किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है, या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ? मैं एक स्वास्थ्य कर्मी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गैरविनायक कोविड-19 पुष्टि मामले की जाँच की है, इनमें से कोई नहीं। तो हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क में किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आपका लक्षण, तो ये वही इसको पढ़ लेना है और ओके करना है, ये आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर एक इसका इंटरफेस आएगा, तो ये आपको कुछ जानकारी दे रहा है, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, टेक सेल्फ असिस्टेंट टेस्ट, चेकअप रेगुलरली फॉर अपडेट। तो फिर आप आज जैसे कुछ है नहीं तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और कीप अप 6 फीट डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, और दूसरों से बात करना, हाउ टू स्टे सेफ, मतलब जब घर में रहना है मतलब सेफ रहना है, कहीं सोशल उसमें पार्टीज़ वगैरह में नहीं जाना, तो ये सारी देगा। फिर आपको अगर बीच में भी आज जैसे रजिस्टर कर दिया तो इसमें टेस्ट अगेन एक ऑप्शन है, टेस्ट अगेन दोबारा कर सकते हो। ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हम भारत सरकार तथा अपने आप को सेफ रख सकें। धन्यवाद।